हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं पनीर की डिश तैयार करेंगे जो कि बहुत ही टेस्टी है। आपको पनीर पसंद है तो इसे आप रोज़ाना तैयार कर सकते हो। इसको बनाना बहुत ही आसान है, तो इसके लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और अपना ओपिनियन कमेंट में ज़रूर बताइए। तो चले रेसिपी स्टार्ट करते हैं। पहले कढ़ाई में 1/4 कप ऑयल डाल के अच्छे से गर्म कर लेते हैं। तेल गर्म होते ही थोड़ा सा नमक डालेंगे तेल में और इसको मिला देंगे। उसके बाद पनीर को फ्राई करने के लिए तेल में डालेंगे। आपको फ्राई किया हुआ पनीर पसंद है तो आप तभी पनीर को फ्राई करें, नहीं तो मसाले के अंदर पनीर को ऐसे ही डाल देना है। मुझे फ्राई किया हुआ पनीर पसंद है तो इसीलिए पनीर को हल्का सा फ्राई कर लिया है। तो देखिए, एक साइड फ्राई हो गया है, दूसरे साइड को पलट देंगे। तो देखिए, पनीर फ्राई हो गया है, इसको प्लेट में निकल लेते हैं। उसी तेल के अंदर डालेंगे प्याज। प्याज को स्लाइस में काट लिया है, आप चाहे तो क्यूब में भी कट कर डाल सकते हो। हल्का सा सौते कर लेते हैं। उसके बाद अदरक और लहसुन को प्याज के ऊपर डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। तो देखिए, अच्छी तरह से भून लिया है, इसका स्मूथली पेस्ट तैयार कर लेते हैं। उसके बाद मसाला को निकालकर कटे हुआ टमाटर और थोड़ा सा पानी डाल के इसका भी स्मूथली पेस्ट बना लेंगे। उसके बाद इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। गरम तेल में डालेंगे 1 टीस्पून जीरा और 1 तेज़पत्ता। जीरा को हल्का सा भूनेंगे। उसके बाद तेल में डालेंगे काश्मीरी लाल मिर्च। तेल में लाल मिर्च डालने से कलर बहुत ही अच्छा आता है। थोड़ा सा मिलाने के बाद डालेंगे टमाटर का पेस्ट, साथ में 2 से 3 टेबलस्पून पानी डालेंगे। उसके बाद मसाला को अच्छे से भूनेंगे, नहीं तो टमाटर का खट्टापन नहीं जाएगा। तो देखिए, कलर अभी से बहुत ही अच्छा आ गया है और मसाला को 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मीडियम आंच पर भूनेंगे। इसमें थोड़ा सा सूखा ऐड करेंगे ताकि टेस्ट अच्छा आए। 2 से 3 मिनट के बाद प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे और फिर से मसाला को भूनेंगे। साथ में ऐड कर देते हैं स्वाद के अनुसार नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। लास्ट में ऐड करेंगे 2 हरी मिर्च। मसाला को अच्छे से मिला देते हैं। लगभग 5 से 7 मिनट तक मसाला को धीमी आंच में भूनेंगे। मसाला को भूनने के बाद डालेंगे 1/2 कप पानी। और मसाले में उबल आने तक वेट करेंगे। उबल आने के बाद फ्राई किया हुआ पनीर डाल देते हैं और पनीर को मसाले के साथ मिला देते हैं। इसको 5 मिनट तक ढक के धीमी आंच में पकाएंगे ताकि पनीर सॉफ्ट हो जाए और अंदर तक मसाला जाए। इसको बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही सिंपल है। इसे आप नान, कुलचा, रोटी या पराठे के साथ जमकर खाएं। ढक्कन खोलते हैं, देखिए कलर बहुत ही अच्छा आया है। लास्ट में ऐड करेंगे थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, मिला देते हैं। तो तैयार है, अब घर पे एक बार जरूर ट्राई करें और कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। साथ में शेयर करना भी ना भूलें और नई नई रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।